हेलो गाइस, मैं सुदीप और आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज कैटरपिलर का केबिन के बारे में जानते हैं हम कि क्या क्या स्विच है और कैसे क्या ऑपरेट करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, कैटरपिलर के डंपर हम अभी चल रहे हैं। आप लोग को दिखाते हैं केबिन का व्यूज। हेडलाइट के स्विच है, इसको अगर एक बार पुश करते हैं तो ये पार्किंग लाइट जलेगा, दोबारा पुश करेंगे तो हेडलाइट जलेगा। ये हजार्ड इंडिकेटर है, इसको अगर पुश करते हैं ऐसे तो ये चारों इंडिकेटर जलने लगेगा। ये भी एक ब्रेक स्विच है, देखिए ये ऑफ है, ये ऑफ है, इसको अगर ऑन करेंगे तो चारों चक्का का ब्रेक पकड़ेगा, और ये ऑफ रहेगा ना खाली पीछे चक्का का ब्रेक पकड़ेगा। ये स्विच ऑटो रिटार्डर स्विच है, इसको अगर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक इंजन कंट्रोल करेगा। जैसे हम लोग डाउन उतरते हैं तो आरपीएम रेस हो जाता है, इंजन रेस हो जाता है, तो इसको अगर ऑन रखेंगे तो ये आरपीएम रेस होने नहीं देगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। ये ऑटो रिटार्डर स्विच है। ये देख सकते होंगे गाइस, ये लीवर, ये भी रिटार्डर का काम करता है। जैसा हम लोग डाउन उतरते हैं बारिश का सीजन में, चक्का स्कीड करता है या तो इंजन ओवर रेस हो जाता है, तो इसको, ये मैनुअली है, इसको हल्का ऐसे पुश करना पड़ता है इंजन रेस हो जाने के बाद। ये मैनुअली लीवर है, रिटार्डर लीवर, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। ये चाबी है इग्निशन ऑन करने वाला, और ए सी का फंक्शन है। ये ब्लोअर है, और ये ग्रीन में रहेगा तो वो काम करेगा एसी, और ये ऑटोमेटिक स्विच है एसी का। ये इंडिकेटर का है, जब आगे ठेलेंगे तो राइट साइड का इंडिकेटर जलेगा, अपने तरफ टानेंगे तो ये लेफ्ट साइड का जलेगा, और इसी में वाइफर है, इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे तो वाइफर चलने लगेगा। ये एक्सीटर है, ये सर्विस ब्रेक है, ये इमरजेंसी ब्रेक है, इसको बस इमरजेंसी में खाली यूज़ करना है, नहीं तो इसको यूज़ करना नहीं है। जब इमरजेंसी हो तब जाके इसको यूज़ करना है, नहीं तो इसको बिल्कुल यूज़ करना नहीं है, ये सर्विस ब्रेक में चलाना है। यह फुट रेस्ट होगी आपका। ये जो आगे में एक सेंसर लगा हुआ है ना, ये ऑपरेटर को हमेशा अलाउड करता है, ऑपरेटर का अगर रास्ता से नज़र हट गया तो हमेशा अलाउड करता है। ये कैटरपिलर 770G का केविन का छोटा सा व्यू है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे।